हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल क्रिप्टो विद करण। आज हम एक स्पेशल क्रिप्टो कॉइन के बारे में बात करेंगे जिसके बारे में आपने ज़्यादा नहीं सुना है। सिर्फ 2 महीने हुए हैं इसको लॉन्च हुए। नवंबर में ये लॉन्च हुआ था, नवंबर 2021 में, और 2 महीने में ही ये कॉइन बहुत अच्छी ग्रोथ कर रहा है। इसका नाम है जेम्स इनू या फिर सीनू। जेम्स इनू के प्रमोटर हैं क्रिप्टो मसीहा वन गूनरिच, जैसे आप जानते हैं काफ़ी फेमस इंसान है वो क्रिप्टो दुनिया में। तो ना तो वो सिर्फ इसके प्रमोटर हैं बल्कि वो डेवलपर भी हैं। कुछ आइडियाज़ हैं, कुछ कंट्रीब्यूशंस हैं जो उन्होंने इसमें दिए हैं, काफ़ी अच्छे आइडियाज़ हैं उनके। पहली बात ये है कि जेम्स इनू की ये टोटल सप्लाई जो उसकी आई थी वो थी 6 एक्स ट्रिलियन, जो अभी इसकी सर्कुलेटिंग सप्लाई है वो 4.8 एक्स ट्रिलियन। तो इसकी सप्लाई काफ़ी ज़्यादा है, लेकिन इसमें एक ख़ास बात है कि ये हर एक ट्रांजेक्शन पे, वॉलेट ट्रांजेक्शन पे ये 10% सेल्स टैक्स है, जो उसमें से 5% ये जाता है बर्निंग में, काफ़ी अच्छे, जिसकी वजह से इसकी सप्लाई रिड्यूस हो रही है। तो ये अभी कॉइन मार्केट कैप पे 334th रैंक पे है। काफ़ी बड़ी बात है किसी भी 2 महीने पुराने कॉइन के लिए 3100 रैंक पर आने पे। जो बेबी डोज देख लो, अब 1 साल पुराना फिर भी 2900 रैंक पे है। तो काफ़ी अच्छे ये आते ही इसने काफ़ी बूम किया। काफ़ी इसकी कम्युनिटी बहुत स्ट्रॉन्ग है, बहुत स्ट्रॉन्ग कम्युनिटी है। 2 महीने के अंदर ये 38,000 फॉलोवर्स ऑन ट्विटर, बहुत बड़ी बात है, 29,000 फॉलोवर्स ऑन टेलीग्राम, वाओ। तो ये कॉइन काफ़ी अच्छा ग्रोथ कर रहा है। इसकी टोटल मार्केट कैप है 40 मिलियन डॉलर्स सिर्फ अभी। बहुत अच्छा टाइम है इसके अंदर एंट्री लेने का, क्योंकि जैसे जैसे ये बर्न होता रहेगा वैसे वैसे इसका प्राइस बढ़ेगा, मार्केट कैप इसकी बढ़ेगी तो इसका प्राइस भी बढ़ेगा। तो काफ़ी अच्छा टाइम है इसमें एंट्री लेने का। और एक और चीज़ जेम्स इनू के बारे में, जो क्रिप्टो में सी हैं उन्होंने एक आइडिया दिया है इसमें, एक उनकी तरफ से कंट्रीब्यूशन है, मीम टूल्स। मीम टूल्स जो मैंने वेबसाइट पे पढ़ा, इनके एक इंफॉर्मेशन आए, उसमें आप जो नए मीम कॉइन्स आएंगे या जितने भी मीम कॉइन्स हैं उनके बारे में इंफॉर्मेशन, जैसे कॉइन मार्केट कैप देता है, उनको लॉन्च होना है या उनको प्रमोशन करनी है, वो सब जेम्स के द्वारा होगी, जेम्स टूल के द्वारा। तो इसके लिए इन्होंने इसका नाम एक तरह से मीम टूल्स रखा है। काफ़ी अच्छा फीचर लग रहा है मुझे ये, जैसे ये आएगा इसमें एक और चीज़ है, इसका जब स्वैप भी आएगा और मीम टूल्स भी आएगा, इसकी बर्निंग फास्ट हो जाएगी। वो आने वाले टाइम में बताएंगे आपको डेवलपर्स, जैसे वेबसाइट पे आएगा। एक और चीज़ इसमें जो डेवलपर्स हैं उन सबकी KYC हो चुकी है, तो ऐसा जो क्रिप्टोमसीहा हैं इसके डेवलपर हैं इसमें उनका पार्ट है, वो भी अब फेस टू फेस सबके सामने आते हैं, सब उनको जानते हैं। तो ऐसे उन्होंने सब ट्रांसपेरेंसी इसके अंदर, बहुत अच्छी ट्रांसपेरेंसी इसके अंदर। तो ये कॉइन काफ़ी अच्छा ग्रोथ कर रहा है इसलिए। और एक और चीज़ है इसके अंदर कि कम्युनिटी बहुत, इसको बार बार मतलब मैं देख रहा हूँ ट्विटर पर, टेलीग्राम पर, तो बहुत अच्छी कम्युनिटी, स्ट्रॉन्ग कम्युनिटी, जैसे शिबा इनू की है या फिर बेबी डोज की, बहुत अच्छी कम्युनिटी है। 2 महीने में इतनी बड़ी कम्युनिटी, वाओ, बहुत अच्छी बात है, कि बहुत ही लाजवाब बात है, बेहतरीन चीज़ है ये, कम्युनिटीज़ का इतना प्रमोशन कर रही है। और अच्छी चीज़ ऐसे भी है कि ये बाकी मीम कॉइन्स की तरह नहीं है कि सिर्फ कॉइन आ गया तो बस नाम, इनके प्रोजेक्ट्स बहुत अच्छे हैं, मीम टूल्स बहुत अच्छी चीज़ लग रही है, कुछ नया है मीम कॉइन में, कुछ नया है मीम टूल्स। और एक और चीज़ है इनकी, ये मेटावर्स में आ रहे हैं, बहुत बड़ी बात है, मेटावर्स में इनकी एक सिटी होगी, गौथम सिटी के बारे में आपने सुना है, बैटमैन में थी वैसे इनका आया। और इनकी NFTs भी हैं, बहुत अच्छी अच्छी NFTs हैं, जेम्स बर्कर एंट्री टू मेटावर्स वो भी है। तो ऐसे इनके, इसके बहुत अच्छे अच्छे प्रोजेक्ट्स हैं इसमें जेम्स इनू में। और मेन चीज़ ये है कि ये बर्न बहुत अच्छा कर रहा है, बहुत फास्ट बर्न कर रहा है, हर ट्रांजेक्शन्स पे बर्निंग हो रही है। और मार्केट कैप अभी बहुत लो है, सोचो अभी 40 मिलियन पे है इसका मार्केट कैप, और जिस हिसाब से कम्युनिटी ग्रोथ हो रही है, बर्निंग हो रही है, बहुत अच्छा बर्न मैकेनिज्म है इसका। तो ये कॉइन काफ़ी अच्छा ग्रोथ करेगा आने वाले टाइम में, सिर्फ 2 महीने हुए इसको, और इतना अच्छा, देख लो सारी मार्केट क्रैश है, बिटकॉइन क्रैश है, एथेरियम क्रैश है, सारी टोटल मार्केट क्रैश है, फिर भी ये कॉइन अप जा रहा है, कम्युनिटी इसके पीछे, उनको इस पर ट्रस्ट है। वाकई आप देखेंगे ना इसके अंदर काफ़ी अच्छे अच्छे प्रोजेक्ट्स इन्होंने शो किए अपनी वेबसाइट पे, और बोला है कि आएंगे और वो बेशक आएंगे, तो काफ़ी अच्छे प्रोजेक्ट्स हैं इनके। तो ये कॉइन कुछ अलग है, जेम्स इनू
क्रिप्टो में सी इतना बड़ा नाम है, वो अपना नाम ऐसे ख़राब नहीं होने देगा किसी भी कॉइन के पीछे कि मैं भाई इसका प्रमोट कर देता, मैं उसका प्रमोशन कर देता हूँ। वो बार बार चीम सीनों का प्रमोशन कर रहे हैं, उन्होंने भी बहुत पैसे लगाए हैं इसके ऊपर, तो वो कोई अपना नाम नहीं ऐसे इतनी जल्दी ख़राब करेंगे वो। तो उनका काफ़ी अच्छा कॉन्ट्रीब्यूशन हो रहा है इसके अंदर। तो मैं आपको यही कहूँगा, आप इसकी रिसर्च करें, आप इसको सर्च करें, ट्विटर पर करें, टेलीग्राम पे करें, इसकी वेबसाइट देखें, कॉइन मार्केट कैप पे देखें, कॉइन चीको पे देखें, हर जगह इसको सर्च करें और अपनी रिसर्च करें इसको इसके ऊपर। और आप देखें चीम सीनो एक बेहतरीन कॉइन है, बाकी मीम कॉइन से बहुत अलग है, काफ़ी अलग है ये कॉइन। तो आप इसके बारे में रिसर्च करें। और एक और चीज़, ये अभी होटबिट पे है, BKX पे है, दो एक्सचेंजेस पे है, ट्रस्ट वॉलेट पे है, आप पैनकेक स्वैप से इसको बाई कर सकते हैं इजीली। और ये भी बड़ी बड़ी एक्सचेंजेस पे आएगा, ज़रूर आएगा, 2 महीने तो हुए हैं यार, बिल्कुल आएगा। और बहुत अच्छा करेगा ये कॉइन, जहाँ तक मुझे पर्सनली लग रहा है। तो मैं भी एक तरह से इसका सपोर्टर हूँ चीम सीनू का, तो मैंने भी लिए हैं ये कॉइन्स। तो बहुत कम, मेन चीज़ होती है कॉइन मार्केट कैप। किसी भी कॉइन का मार्केट कैप जो है वो अगर कम है तो काफ़ी अच्छा टाइम होता है उसके अंदर इन्वेस्ट करने का। इसका कॉइन मार्केट जो कैप है, मार्केट कैप इसका बिल्कुल लो है, अभी $40 मिलियन है सिर्फ। तो बहुत अच्छा टाइम है इसके अंदर इन्वेस्ट करने का, जिस हिसाब से मैंने इसकी कम्युनिटी देखी है, इतनी स्ट्रॉन्ग कम्युनिटी है। तो ये कॉइन इस साल में कम से कम, अगर आप मान के भी चलो, कितने 14 जीरो है इसमें, 14 जीरो है इस कॉइन में, अभी बहुत ज़्यादा होते हैं 14 जीरो। अभी भी आप इसमें इन्वेस्ट करोगे, $100 भी इन्वेस्ट करोगे, चलो $100 तो बहुत ज़्यादा हो गया, आप $10 भी इन्वेस्ट करोगे, बहुत अच्छा रिटर्न मिलेगा आपको, बहुत ज़्यादा इसकी आपको वो सप्लाई कॉइन्स मिल जाएंगे। तो इसके अंदर आप बिल्कुल इसमें इन्वेस्ट करें, बाकी रिसर्च करें, तो आपके ऊपर ही है। मैं कोई फाइनेंशियल एडवाइज़र नहीं हूँ, मैं बार बार बोलूँ मैं कोई फाइनेंशियल एडवाइज़र नहीं हूँ, बस मेरे को ये कॉइन पर्सनली अच्छा लगा, बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहा है, मैं वो आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। तो आप इस पे रिसर्च करें, ये कॉइन आपको बिल्कुल 100x बहुत अच्छा रिटर्न देगा, तो आप रिसर्च करें इसके ऊपर। तो बाकी प्लीज़ मैं यही बोलूँगा, मैं फाइनेंशियल एडवाइज़र नहीं हूँ, आप अपनी रिसर्च करें। थैंक यू गाइज़ फॉर वॉचिंग, प्लीज़ सब्सक्राइब शेयर माई चैनल। थैंक यू, क्रिप्टो विद करण।